हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो थर्ड हमारा मेथड है वो है नैदानिक विधि या केस इतिहास, क्लिनिकल मेथड या केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो वाली सिचुएशन से बच्चे का केस स्टडी करना, अब तक की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, मतलब केस स्टडी के थ्रू हम बच्चे की उन प्रॉब्लम्स का डाटा कलेक्शन करते हैं जिसमें बच्चे को अभी प्रेजेंट में किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपकी क्लासरूम टीचिंग के अंदर बच्चा किसी रूप से ध्यान नहीं दे रहा है, उससे अलग वो आप उसे एक बार पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहा, दो बार, तीन बार, मतलब आपने 10 बार भी पूछा तो बच्चे ने आपको प्रॉपर आंसर नहीं किया और फिर भी अपने बिहेवियर में भी कोई चेंज नहीं किया, उसका बिहेवियर जैसे फर्स्ट डे था वैसे ही बाकी के 10 दिन भी रहा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि बच्चे का प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब है या उसके सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं जिससे वो ऐसा बिहेव कर रहा है। आप उसके पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे, उसके फ्रेंड सर्कल से जानने की कोशिश करेंगे, स्कूल में बाकी टीचर्स से जानने की कोशिश करेंगे कि मेरी क्लास में बच्चा ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो आपकी क्लास के अंदर बच्चा कैसे बिहेव करता है। तो उस सिचुएशन में बच्चे के बारे में जब हमें कोई प्रॉपर डाटा कलेक्ट करना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम केस स्टडी के थ्रू बच्चे का वहाँ से लेके डाटा कलेक्ट करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है वहाँ से कलेक्ट करते हैं डाटा, और अभी तक की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है बच्चे के साथ वहाँ तक डाटा कलेक्ट करते हैं कि इतने, कोई बच्चा 5 साल का 10 साल का है तो 10 साल वो और 9 महीने उसके वो, तो ऐसे करके 10 साल 9 महीने का पूरा डाटा कलेक्शन करेंगे बच्चे के बारे में, उसको बोलते हैं केस स्टडी। अब ज़्यादातर ये किन बच्चों के लिए यूज़ होता है? जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए बालक होते हैं, जो अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते हैं, समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी रूप में, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है हमारा केस स्टडी। उनके बारे में जानने के लिए हमें केस स्टडी करनी पड़ती है कि उनको स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रेजेंट सिचुएशंस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, कब कब उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया या किस चीज़ की सिचुएशंस फेस करी, तो उससे क्या है टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा अपने जन्म से लेके अब तक, मतलब अपने गर्भस्थान से लेके अब तक कैसा रहा है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और ये सारी चीज़ें क्या हैं हमें पता चल जाती है। और इसमें संवेगात्मक समस्या यानी कि इमोशनली जो बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भी हम इसके अंदर पता लगाते हैं केस स्टडी के थ्रू। अब इसमें क्या चीज़ मैं आपको स्टेप बता देती हूँ, इसके 3 स्टेप्स हैं केस स्टडी को करने के लिए। फर्स्ट स्टेप आता है प्रारंभिक सूचना। प्रारंभिक सूचना इकट्ठी करना, सेकंड आता है इतिहास, मतलब पास्ट उसकी हिस्ट्री पता करना, थर्ड आता है वर्तमान अवस्था यानी कि प्रेजेंट कंडीशन। अब इन तीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लासरूम टीचिंग के अंदर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आप उससे 100 बार कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वो तब भी आंसर नहीं करता है, आप उसकी नोटबुक चेक कर रहे हैं बिल्कुल नील है, सब चीज़ों में गलती कर रहा है, एकदम कुछ बोलता नहीं है, किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता, क्लासरूम में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे उसका केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी कैसे करेंगे? आप उसके घर पर जाएंगे, उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चा गर्भ में था तब कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जो बच्चे के लिए मेंटली प्रेशर रहा हो या बच्चे को मानसिक आघात हुआ हो, मतलब बच्चे को कोई मानसिक रूप से प्रॉब्लम आ गई हो। माँ के गर्भ स्थान से लेके बच्चे की जो अभी
प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर तक की हम सारा केस स्टडी करते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि बच्चे के साथ कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ जिससे बच्चे को मानसिक आघात हुआ हो, कोई प्रॉब्लम रही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं या कोई हमने ऐसी घटना देख ली होती है जो हमारे दिमाग पर छप जाती है, तो फ्यूचर में भी या अभी प्रेजेंट लाइफ में भी जब हमें कभी वो चीज़ें याद आती हैं तो हम कहीं गुम हो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, या कोई मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई इमोशनली बहुत वीक हो जाता है। तो इससे क्या होती हैं ये सारी चीज़ें पता लगाना केस स्टडी के थ्रू कि माँ के गर्भस्थान से लेके अभी तक जो प्रेजेंट सिचुएशन बच्चे की चल रही है उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट किया, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या था, उसका स्कॉलर रिकॉर्ड्स क्या था, उसके पुराने स्कूल्स में बात करना, सारा डाटा कलेक्ट करना, उसकी फैमिली फ्रेंड्स स्कूल और बाकी टीचरों के साथ भी आपको कम्युनिकेट करके ये सारी चीज़ें पता लगानी है बच्चों की। तो प्रारंभिक सूचना के अंदर क्या पॉइंट आ गया कि बच्चे का गर्भस्थान से लेकर अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो सूचना है आपको सारी कलेक्ट करनी है बच्चे के बारे में, क्या है वो किसी भी रूप में रही हो, बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर रहा हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छी फैमिली से होंगे या मिडिल क्लास फैमिली से होंगे लेकिन उनका जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कुछ की बहुत वीक होगी, बहुत किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, स्कॉलर रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, तो वो सारी प्रारंभिक सूचनाएं आपको इकट्ठी करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है गतिस्था। गतिस्था में आपकी पास हिस्ट्री के बारे में रखा जाता है कि पास हिस्ट्री आपकी क्या रही, आपकी गत अभी जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है उससे अलग एक साल दो साल चार महीने एक महीने से पहले आपकी सिचुएशन क्या थी, आप उस सिचुएशन में मेंटली स्टेबल थे नहीं थे, फिजिकली स्ट्रांग थे नहीं थे, ये सारी चीज़ें पता लगाना एक प्रॉपर केस स्टडी के थ्रू आपको डाटा कलेक्ट करना है कि बच्चे को किस रूप में अभी तक उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्यों है, किस लिए है। अगर मेरी प्रेजेंट सिचुएशन जो है नॉर्मल है तो मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर कोई केस स्टडी करने का मतलब ही बनता है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल कुछ बच्चे होते हैं मेंटली रिटायर्ड होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, अपने समाज में समायोजन नहीं करते, कुसमायोजित होते हैं, पिछड़े हुए हो जाते हैं, तो उन पे केस स्टडी करने का महत्व बनता है क्योंकि हमें वहाँ पर पता लगाना है कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है और ये प्रॉब्लम कब से चली आ रही है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर तो जो डॉक्टर आपसे पूछता है उसका भी पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको फीवर है कब से है, वो क्यों पूछता है, वो इसीलिए आपको रेमेडियल जो करेगा आपका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करेगा वो इसी रूप से करेगा कि आपको एक हफ्ते से फीवर है तो वो किस किस सिचुएशंस में आपने फेस किया, मतलब दिन में चढ़ता था रात में चढ़ता था उतरता था ऐसे रहा या कंटिन्यूज रहा कितना रहा और उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसीलिए ये सारी सिचुएशंस को पहले डॉक्टर क्या है सारी सिचुएशंस को रखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, देन आपको रेमेडियल करता है, देन आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है कि आपको ये मेडिसिंस लेनी है, इससे आप इतने हफ्तों में ठीक हो जाएंगे या आपको ये प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं वो ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही एज अ टीचर आपको भी पहले ये जानना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब से हो रहा है उसके साथ, तो इसके लिए आपको केस स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। और फिर आता है वर्तमान अवस्था यानी कि उसकी प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है वो किस रूप में चल रही है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ये नहीं कि आपने गत स्थान ले लिया यानी कि उसके पास एक्सपीरियंसेस पास्ट जो उसके केस स्टडीज थे उसके बारे में जांच कर ली और अभी जो प्रेजेंट वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ रह रहा है उसको आपने ध्यान ही नहीं रखा। अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, उसका स्कॉलर रिकॉर्ड कैसा है, वो क्लास में कितना एक्टिव है नहीं है, वो कितना कम्युनिकेट करता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अभी प्रेजेंट में घर में उसकी सिचुएशंस कैसी है, बाकी समाज में उसकी सिचुएशंस कैसी है, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा एक प्रॉपर केस स्टडी का डाटा कलेक्ट होता है। अब इसके गुण और दोष के बारे में बात कर लेते हैं कि केस स्टडी के गुण क्या हैं और दोष क्या है। पहला जो गुण है इसका वो है बालकों का गहन अध्ययन।
केस स्टडी के थ्रू आपको पता ही है कि बच्चे के गर्भ स्तर से लेके उसके प्रेजेंट हिस्ट्री तक, प्रेजेंट सिचुएशन तक हम केस स्टडी करते हैं, प्रॉपर डाटा कलेक्शन करते हैं। तो इसी में बच्चों का एक रूप से गहन अध्ययन हो ही जाता है, क्या है वो आपका फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, आपको सारी सिचुएशंस बच्चे के बारे में पता चल जाती हैं कि बच्चा किस रूप से एक्टिव है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको किस प्रकार के रेमेडियल की ज़रूरत है, नहीं है, और फिर फ्यूचर में किस रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें मानसिक व शारीरिक रूप से पता लगाना, मानसिक व शारीरिक अवस्था का ज्ञान होना। जब आप किसी बच्चे का केस स्टडी करते हैं तो उसकी फिजिकल तो होता ही होता है, सॉरी मेंटल तो होता ही होता है, आप उसका मानसिक स्थिति के बारे में तो पता करते ही हैं कि बच्चे का अब तक जो भी मेंटल एबिलिटी रही है, आईक्यू लेवल रहा है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम किस रूप से हुई है, कोई चीज़ें कैसे वो फेस कर रहा है, अकेडमिक स्कॉलर उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ साथ शारीरिक अवस्था का भी आपको पता चलता है। वो किस रूप से पता चलता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक नॉर्मल वेट होता है कि 3.0 जो केजी है उतना नॉर्मल वेट है बच्चे का होना चाहिए, अगर उससे कम है तो बच्चे को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, या बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, और आगे चल के भी वो चीज़ें बच्चे के उसमें पता चलती है कि अगर उसकी एज इतनी है तो इस एज में बच्चे का वेट इतना होना ही चाहिए, अगर उससे कम है तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो शारीरिक अवस्था भी अगर बच्चे की कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा है कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मोटापा गेन कर लेता है या दुबला पतला ज़्यादा होता है, तो वो भी क्या है आपकी क्लासरूम टीचिंग के अंदर इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा उतना प्रॉपर ढंग से अगर खान पान नहीं कर रहा है, फूड नहीं खा रहा है ठीक से, और शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो बच्चे को क्या जल्दी आलस आने लगता है, और बच्चा क्लास में इतना एक्टिव नहीं होता, आप कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करवा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो बच्चा उसके अंदर जल्दी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे ही जो बच्चा ज़्यादा मोटा होता है उसके साथ क्या होता है कि वो भागने वाली चीज़ों में पार्ट नहीं करता है, कि उसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसमें प्रॉब्लम होती है, जल्दी थकान हो जाती है, बैठने में उसको ज़्यादा नींद आने लगती है, उसकी सिटिंग पावर इतनी नहीं होती है, तो इसीलिए इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक रूप के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद है समस्या का निदान करना, थर्ड जो हमारा पॉइंट है समस्या का निदान। किसी भी प्रॉब्लम का आपको रेमेडियल करने में बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए, अगर उसको आप शारीरिक, मानसिक या इमोशनली लेके चल रहे हैं, आपको पता है कि बच्चे की लास्ट मतलब जो पैदा होने के समय और आपके समय में जो गैप है उसके बीच में क्या क्या सिचुएशंस उसने फेस करी, कैसा कैसा उसका शारीरिक विकास रहा, कैसा उसका मानसिक विकास रहा, संवेगात्मक विकास रहा, उस रूप में आप बच्चे का प्रॉपर रूप से रेमेडियल दे सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब इसके साथ साथ इसमें कुछ इसके दोष भी हैं केस स्टडी के, इसके दोष जो हैं उसमें पहला है हमारा सूचनाएँ सत्य नहीं होती। देखिए सूचनाएँ सत्य ना होना, केस स्टडी के थ्रू जब आप बच्चे का केस स्टडी करते हैं, उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आप किससे बात करते हैं, कहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से, उसकी फैमिली से, उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके आस पड़ोसियों से, उसके पुराने स्कूल से, इन सभी जगहों से क्या है अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए जब बच्चे का जन्म हुआ या वो गर्भ में था, उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, तो माँ आपको बताए, उसके पेरेंट्स आपको प्रॉपर जानकारी दे कि हाँ मुझे उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी से ग्रस्त थी, या बच्चे ने कोई ऐसी घटना देखी थी, या उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है, क्या पता माँ बाप आपसे वो चीज़ें छुपा लें, उसके फ्रेंड्स भी अपने फ्रेंड के लिए अच्छा बनने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सही जानकारी ना दें। और अगर आप पुराने वाले स्कूल से डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर जानकारी ना मिले, क्योंकि हर कोई स्कूल अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा दिखाने के लिए बच्चे के बारे में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं उनको छुपाते हुए पॉजिटिव ही रखता है, क्योंकि उससे उनका स्कूल का रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो इसीलिए
आपको इस रूप में सत्यता नहीं ले सकते हैं कि आपको जो डाटा कलेक्शन आप कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं। कई बारी ज़रूरी नहीं कि छुपाना भी हो, कई बारी ऐसा होता है कि इतनी पुरानी बातें जो होती हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इस सिचुएशंस को आप यहाँ पे हमारे केस स्टडी में एरर आ जाता है, उसमें आत्मनिष्ठता जो इसमें एक दोष है वो है आत्मनिष्ठता अधिक होना। आत्मनिष्ठता अधिक होना किस रूप में है कि अगर पेड़ मान लीजिए कोई बच्चा मानसिक रूप से आघातित है, मतलब उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, वो मेंटली रिटायर्ड है या कुछ है, तो पेरेंट्स क्या होते हैं वो अपने बच्चे से या किसी भी चीज़ से ऐसे इमोशनली अटैच होते हैं कि वो अपने बच्चे को बुरा बोलते ही नहीं है। अगर उनका बच्चा मेंटली रिटायर्ड है या कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत उसे आ रही है तो वो तब भी ये कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेंटली स्टेबल है, या इस तरह की चीज़ें वो आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि आप उसके बारे में क्या पता फिर गलत सोचे या उसको बाकी बच्चों से अलग थलग करे, पार्शियलिटी करे उसके साथ। तो ये सारी सिचुएशंस में क्या है, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि क्या पता हमारे सही बात बताने पर भी आगे चल के बच्चे के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अभी जो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे उसके लिए एकेडमिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो, टीचर के द्वारा कोई पार्शियलिटी की जा सकती है, स्कूल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स उससे अलग थलग रहने लगे, उसको अपना फ्रेंड ना बनाए, उसके साथ कम्युनिकेट ना करें, तो उस सिचुएशन में भी क्या है आत्मनिष्ठता आ जाती है कि पेरेंट्स आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। और सोसाइटी जैसे होती है हमारी, तो सोसाइटी में भी लोगों को इतनी ज़्यादा पता नहीं होता है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं वो 2 साल पहले ही आके यहाँ पे सेटल हुए हों, तो उससे पहले जब बच्चा पैदा हुआ था या गर्भस्थल में था वो कहीं और हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उनके पड़ोसी हैं वो आपको 2 साल का ही डाटा दे सकते हैं। और वो पड़ोसी भी कई बार ऐसे होते हैं सुपीरियर जो कॉलोनीज़ होती हैं, पोश इलाके होते हैं, वहाँ पर भी वो अपने पड़ोसियों से, आस पड़ोसियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है आप ठीक ढंग से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि अपने घर में क्या चल रहा है, तो दूसरों के घरों के बारे में तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए यहाँ पे आत्मनिष्ठता अधिक देखी गई है कि पेरेंट्स के थ्रू चीज़ों को छुपाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की कमी। थर्ड दोष वही है कि जो आपका केस स्टडी कर रहा है कोई टीचर कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट कर रहा है, तो वो भी क्या पता इतना उस रूप में माहिर ना हो, उसकी इतनी स्किल्स अच्छी ना हो कि वो उस रूप को यानी कि केस स्टडी करते टाइम सारे अच्छे अच्छे डाटा कलेक्ट करें या नेगेटिव पॉइंट भी देखे, पॉजिटिव भी देखे, वो एक प्रॉपर वे में लेके चले, स्टेप बाय स्टेप लेके चले। क्या पता उसने फर्स्ट स्टेप किया और सेकेंड स्टेप को स्किप कर दिया कि मेरा मन नहीं है, थर्ड को कर लिया, फिर फोर्थ को कर लिया, फिर सिक्स को छोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे कोई ना कोई एरर्स आपको मिल ही जाएगा कि अभी मैंने प्रेजेंट सिचुएशंस पता लगा ली, 2 साल पहले का आंकड़ा पड़ोसियों से पूछ लिया, अब उससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे, क्या थी, कौन जाएगा, कौन ढूंढेगा, तो इसीलिए छोड़, अभी जितना डाटा है उससे कलेक्ट करा और एक मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन कर दिया कि बच्चे को दे दिया कि वो संवेगात्मक रूप से प्रॉब्लम में है, मेंटली रूप से है, शारीरिक रूप से। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपका केस स्टडी कर रहा है उसके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए, वो उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि केस स्टडी के सारे स्टेप्स को फॉलो करे, प्रॉपर रूप में करे, जहाँ वो पॉजिटिव ले रहा है वहाँ पे उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ले, लास्ट में जाके कलेक्शन यानी कि कंक्लूजन निकाले कि बच्चा किस रूप में आपको मिलता है। उसके बाद फोर्थ विश्वसनीयता समाप्त होना। विश्वसनीयता कैसे समाप्त होती है कि हो सकता है कि बच्चे का जो अभी डाटा रिकॉर्ड है वो पूरा 100 out of 100 है। वो क्या है, आपको अगर एक टीचर को केस स्टडी करने को दिया जाता है तो वो प्रॉपर रूप से अपने केस स्टडी पर ध्यान देगी और अपने प्रेजेंट के साथ साथ
अपने पास्ट और जो उसके गर्भस्थान के समय थे वो प्रॉपर डाटा कलेक्ट करेगी। लेकिन अगर हो गया कि एक ही केस स्टडी को टू टीचर्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया, एक ने प्रेजेंट कलेक्ट कर लिया, एक ने पास्ट कलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे क्या है, एरर्स आ जाएंगे। वहाँ पे किस रूप में एरर्स आएंगे कि जो पास्ट डाटा कलेक्शन कर रही है वो आपको बताएगी कि बच्चा प्रॉपर रूप से ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, वो अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करेगी। और जो सेकेंड टीचर है वो वहाँ पे उस किसी बच्चे को इस रूप में पाती है कि हाँ वो मेंटली डिस्टर्ब है या इस सिचुएशन में डिस्टर्ब है, वो अपने माइंड्स में कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट कर लेती है कि ज़रूर उसके पास में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, कोई ऐसा उसके साथ इंसिडेंट क्रिएट हुआ होगा जिससे उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब उसके पास जो पास हिस्ट्री का कलेक्शन आता है डाटा का, वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर क्या है, दोनों का कंक्लूजन, दोनों का मूल्यांकन अलग अलग हो जाता है। तो वहाँ पर भी क्या रहती है, विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है केस स्टडी की। तो इसके अंदर बच्चे का केस स्टडी हमें एक ही टीचर के थ्रू करना चाहिए जो बच्चे को अच्छे से जानती हो, या जो टीचर उसकी प्रेजेंट में है उसी के थ्रू बच्चे का केस स्टडी प्रॉपर रूप से किया जा सकता है। अब आपको नैदानिक विधि भी और केस स्टडी के बारे में भी पता चल गया कि वो क्या है, इसके हमने गुण और दोष पता कर लिए, क्यों किया जाता है और किन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है, जो कुसमायोजित यानी कि अपने समाज में एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, पिछड़े हुए रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू।